अगली विटामिन की हम बात करते हैं, इसमें विटामिन B7 या वैसे इसे बायोटिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बायोटिन इज वन ऑफ सच विटामिन बी हुज डेफिशिएंसी डू नॉट अकर इन मैन एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। इनकी विटामिन B7 या फिर बायोटिन विटामिन एक ऐसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है जिसकी कॉमनली यदि हम बात करें नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसकी जो कमी है वो नहीं देखने को हमें मिलती, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ऐसे आ जाते हैं कि इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है। RDA की हम बात कर रहे हैं कि विटामिन B7 की RDA कितना फिक्स किया गया है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड हैज़ एस्टिमेटेड दैट कंजप्शन ऑफ 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ बायोटिन इज सेफ, यानी कि 100 से 200 मिलीग्राम की रेंज में अगर आप बायोटिन ले रहे हैं तो उसका बिल्कुल सेफ बताया गया है। इसके अलावा यदि हम इन्फेंट की बात करें तो ये 35 to 50 मिलीग्राम इन्फेंट के लिए यहाँ पे बताया है, वहीं चिल्ड्रन के लिए इसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, तो 65 से 85 मिलीग्राम चिल्ड्रन में यहाँ पे ये फिक्स किया गया है। आगे हम इसके डाइटरी सोर्स की बात करें, विटामिन B7 के डाइटरी सोर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे आपके चिकन लीवर हो गया, बीफ लीवर हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, इसके अलावा सैल्मन फिश, सनफ्लावर सीड्स, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, एवोकाडो, ये सब आपके सोर्स हैं जिनके अंदर हमें एडिकेट अमाउंट में विटामिन B7 या फिर बायोटिन हमें देखने को मिल सकता है। आगे हम बायोटिन या फिर विटामिन B7 के फंक्शंस की बात करते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसमें सेल ग्रोथ के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ देखा गया, ठीक है, जो हमारी सेल्स से उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ल्यूसिन, ल्यूसिन जो आपका एक तरीके अमीनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्रैब्स साइकिल के अंदर मेजर रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स के मेटाबॉलिज्म है उसके लिए एसेंशियल होता है। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफान को नियासिन में ये कन्वर्ट करता है वहाँ पे भी इसका कन्वर्जन में हेल्प इसकी देखी गई है, ठीक है। आगे हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि यदि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में बात करते हैं तो डिप्रेशन या फिर हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलता है, मसल्स के अंदर पेन होता है और एनोरेक्सिया एंड नोजिया हमें देखने को मिलते हैं, स्केली डर्मेटाइटिस हो सकता है, ड्रॉपिंग ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ड्रॉप हो सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी